हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम गौर करने वाले हैं आपके अध्याय 3 राजकीय आय। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। साल भर होने वाले किसी न किसी व्यापम या पीएससी के एग्जाम में आज के इस वीडियो में जो भी आंकड़े आपको बताने वाला हूं उससे कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में जो भी आंकड़े आपको बताऊंगा उसको बार बार रिमाइंड कीजिएगा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, दूसरी चीज, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा समय निकाल के वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जिस रेट में वीडियो में व्यू आते हैं, लगभग 1000-1500 के आसपास अभी व्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो ज़्यादा लोग अभी वॉच नहीं कर रहे हैं। सबके माइंड में यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, गलतफहमी में जी रहे हैं, इतने सारे आंकड़े एग्जाम टाइम में याद नहीं होते। ठीक है, तो अभी जिस रेट में वीडियो में व्यू आ रहा है, 1000-1500 के आसपास व्यू आते हैं, तो उसके कंपेरिजन में लाइक्स नहीं रहते, लगभग 100-150 लाइक रहते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या तो आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 3 राजकीय आय, GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, डेफिनेशन भी समझते चलिए। GSDP या सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी देश की, मैं आपको GDP का डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, GDP या सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो एक इसका डेफिनेशन हो गया। अब यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है GDP। ऑप्शन में देगा प्रति व्यक्ति आय, यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है, ऑप्शन दे देगा आपका सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको लगाना क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, GDP। अब देखिए, GDP या GSDP, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ S स्टेट हो जाता है, तो GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक, देखिए, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों की बात कर रहे हैं, तो स्थिर कीमत जिसके लिए आपका आधार वर्ष है 2011-12। ठीक, प्रचलित कीमत यानी वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमत। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए स्थिर कीमत क्या होता है और प्रचलित कीमत क्या होता है। पहले डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर आपको इसका एग्जांपल देकर समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। स्थिर कीमत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर या आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर की जाए तो वो स्थिर कीमतों के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक, समझना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर की जाए तो वो आपके स्थिर कीमतों के आधार पर काउंट होता है। ठीक, प्रचलित कीमत या प्रचलित भाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाए तो वो कहलाता है आपका प्रचलित कीमत या वो प्रचलित कीमतों के अंतर्गत काउंट होता है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, GDP क्या है, आपके जेब में जितना पैसा है, आपके पास जितना पैसा है या आपके जेब में जितना पैसा है वो कहलाता है आपका GDP। मान लीजिए मेरे जेब में 300 रुपये है, मतलब मेरा जो GDP का आकार कितना है, मेरे पास पैसा कितना है वो मेरे GDP का आकार है, मतलब मेरे पास 300 रुपये है तो वो मेरा GDP हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई वस्तु खरीदनी है, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु, यहाँ क्या बात हो रही है, अंतिम वस्तु। देखिए, अंतिम वस्तु का मतलब भी समझ लीजिए, अंतिम वस्तु और सेवा क्या होता है, आपको अंतिम वस्तु ही बता रहा हूँ। देखिए, अंतिम वस्तु जैसे पेन है, पेन को बनाने के लिए जैसे देखेंगे तो इसके बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल से उसको फिर आपका फाइन या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को असेंबल करके फाइनल ये पेन बनता है। जैसे यदि इसके रॉ मटेरियल की बात करूँ तो रॉ मटेरियल में इसके इंक आते हैं, इसके ब्रश आते हैं, इसके अंदर जो बड़ा सा एक टोक इसका रिफिलर रहता है वो आता है, तो ये होते हैं इसके रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को असेंबल करके पेन बना दिए
और ये इसको मार्केट में बेचने के लिए निकाले, तो जब ये मार्केट में जब पेन बेचने के लिए या बिकने के लिए आता है तो ये कहलाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु, ठीक, उत्पादित अंतिम वस्तु। अब देखिए, तो मेरे पास जीडीपी का आकार कितना है, 300 रुपये। अब मुझे ये मार्कर खरीदना है या ये पेन खरीदना है, तो इसकी अभी जो कीमत है, इसकी कीमत है 100 रुपये। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आपके आधार वर्ष 2011-12, यानी वर्ष 2011-12 में आपके इस पेन की कीमत है 100 रुपये, मेरे पास जीडीपी कितना है 300 रुपये। तो मतलब मैं ये 100 रुपये कीमत वाली पेन, कितनी पेन खरीद सकता हूँ, 3 पेन खरीद सकता हूँ। 100 रुपये का एक पेन है, मेरे पास जीडीपी कितना है 300 रुपये, तो मैं 3 पेन खरीद सकता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए हम आते हैं वर्तमान में, वर्तमान में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान प्रचलित बाजार के मूल्यों के आधार पर की जाए। ठीक, तो देखिए ये अंतिम वस्तु है। अब मान लीजिए इस प्रचलित बाजार कीमत में, वर्तमान में इस एक पेन की कीमत हो गई आपकी 150 रुपये। एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 150 रुपये। मेरे पास अभी भी जीडीपी कितना है, 300 रुपये। अभी भी मेरे जेब में 300 रुपये है, मतलब वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 से कंपेरिजन कर रहे थे तब भी मेरे पास 300 रुपये था, अभी वर्तमान प्रचलित बाजार की कीमतों पर तुलना कर रहे तो भी मेरे जेब में 300 रुपये है। तो अब इस पेन की कीमत हो गई 150 रुपये। आधार वर्ष 2011-12 में इस पेन का कीमत था 100 रुपये, वर्तमान में हो गया 150 रुपये। तो अब मैं अपने जीडीपी से इस पेन को खरीदना चाहूंगा तो मेरे को कितना पेन मिलेगा, 150 रुपये का एक पेन है, 300 रुपये का मेरा जीडीपी है, तो मैं केवल 2 पेन खरीद सकता हूँ। अब सिंपल शब्दों में बताऊं तो आधार वर्ष 2011-12 से यदि मैं कंपेयर करूं और आपके वर्तमान प्रचलित बाजार से कंपेयर करूं, तो यहां डिफरेंस क्या चीज का आ रहा है, यहां डिफरेंस आ रहा है आपके महंगाई दर का। जो पेन आधार वर्ष 2011-12 में 100 रुपये में मिल रहा था, वो वर्तमान प्रचलित बाजार में आते आते महंगा हो गया, 100 रुपये का पेन अब 150 रुपये में मिल रहा है। मतलब स्थिर कीमतों पर आपके महंगाई दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंकड़े देखिए, गवर्नमेंट दोनों आंकड़े निकालती है, स्थिर कीमतों पर भी निकालती है, प्रचलित कीमतों पर भी निकालती है, लेकिन स्थिर कीमतों से किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करना काफ़ी इजी रहता है। क्यों, क्योंकि इस पर स्थिर कीमतों पर आपके किसी भी प्रकार के महंगाई दर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, यदि हम स्थिर कीमतों पर महंगाई दर को जोड़ दें, स्थिर कीमतों में यदि हम महंगाई दर को जोड़ दें तो हमको प्रचलित कीमत मिल जाते हैं। तो बस यही डिफरेंस रहता है, स्थिर कीमतों पर महंगाई दर का कोई प्रभाव नहीं रहता और प्रचलित कीमतों पर आपके महंगाई दर का प्रभाव रहता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से तो अब समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपको फिर से इसका डेफिनेशन बताता हूँ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर की जाए तो वो आपके स्थिर कीमतों के लिए काउंट होगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाए तो ये आपके प्रचलित कीमतों के आधार पर ये आंकड़े काउंट होते हैं। ठीक, देखिए तो ये है आपका स्थिर कीमत, ये है प्रचलित कीमत। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको स्थिर कीमतों पर। यदि प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो स्थिर कीमतों से ही पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट यदि आपने किसी आंकड़े पे फोकस करती है तो वो स्थिर कीमतों पर ही करती है। स्थिर कीमतों के आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्थिर कीमतों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद यदि किस्मत बेकार होती है तो प्रचलित कीमतों से ही प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए दोनों हैं, लेकिन सबसे पहले आपको स्थिर कीमतों के आंकड़ों को याद करना है। देखिए जीएसडीपी का आकार, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए है आपका 231,819 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है आपका 231,819 करोड़ रुपए, यानी 231,819 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है। ठीक, यदि हम अब प्रचलित कीमतों पर देखें तो प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है आपका 311,659 करोड़ रुपए, 311,659 करोड़ रुपए, यानी 311,659 करोड़ रुपए आपके प्रचलित कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार। ठीक, इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़े याद रखिएगा। अब देखिए वृद्धि दर,
पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, मतलब वृद्धि दर मतलब पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में छत्तीसगढ़ के जीडीपी के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, छत्तीसगढ़ के जीडीपी के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में, या छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना प्रतिशत रहा। तीनों प्रश्न सेम है, आंकड़े भी सेम है, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर पूछे, छत्तीसगढ़ का विकास दर पूछे, या छत्तीसगढ़ के जीडीपी के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर पूछे, तो स्थिर कीमतों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ के जीडीपी में वृद्धि आपके 6.08% रहा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार रहा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 9.66%, 9.66%। ठीक, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार स्थिर कीमतों पर है आपका 2.31819 करोड़ रुपए, प्रचलित कीमतों पर है 3.11659 करोड़ रुपए। वृद्धि दर, छत्तीसगढ़ का जो वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पर है आपका 6.08% और प्रचलित कीमतों पर है 9.66%, इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2018-19। देखिए अब इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है, तो आपको आंसर लेना है प्रति व्यक्ति आय। देखिए कंफ्यूजन कहां होता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे, उसकी आर्थिक स्थिति का, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है, तो आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है आपका जीडीपी। ठीक, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है, तो वो होता है आपका जीडीपी। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है, तो वो आएगा आपका उसका आंसर प्रति व्यक्ति आय। इंपॉर्टेंट है, पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो लोग सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं आपके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को। ठीक, देखिए ऑप्शन में रहेगा कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऐसे चार ऑप्शन देगा। तो यहाँ आर्थिक समृद्धि पूछा है, लेकिन लोगों का माइंडसेट रहता है कि जहाँ पे आर्थिक शब्द सुने, आर्थिक वृद्धि सुने, आर्थिक समृद्धि सुने, आर्थिक स्थिति सुने, तो पहला आंसर लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन ऐसा करना नहीं है। पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, यदि आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक कौन सा है, तो उसमें लेना है आपको प्रति व्यक्ति आय। यदि आपसे पूछ रहा है आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक कौन सा है, तो आपको लेना है जीडीपी। ठीक, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, ये दोनों प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय रही आपकी 80,376 रुपये। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर रही आपके 80,030 रुपये। प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय रही आपका 96,887 रुपये। ठीक, 96,887 रुपये, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपके पीएससी के 2017 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, सभी के सभी लोगों ने ये प्रचलित कीमतों के आंकड़ों को याद रखा था। न्यूज़ में भी आपके जब कभी भी बजट आता है या आर्थिक सर्वेक्षण पब्लिश होता है, तो सबसे जो हाईलाइट में रहता है ये प्रचलित कीमत, सबने प्रचलित कीमत के आंकड़ों को ही 2017 पीएससी में याद करके गए थे, लेकिन पूछ दिया था वहां पे स्थिर कीमत के आंकड़ों को, उसमें ऑप्शन में ये भी दिया था, मतलब आपके उस समय के आंकड़े दिए गए थे, स्थिर कीमत के भी प्रति व्यक्ति आय दिया गया था, प्रचलित कीमत के भी प्रति व्यक्ति आय दिया था, सबने याद किया था प्रचलित कीमतों के प्रति व्यक्ति आय को, पूछा था स्थिर कीमतों के प्रति व्यक्ति आय को, ऑप्शन में दोनों दिया था, तो लोगों ने प्रचलित कीमतों को रट्टा मार के गए थे, प्रचलित कीमतों को लगा दिया,
क्वेश्चन काफ़ी विवादित रहा, डिलीट करने का मांग उठा, लेकिन ऑप्शन होने के कारण, दोनों ऑप्शन मौजूद होने के कारण और आपका पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होने के कारण वो प्रश्न जैसे का वैसे रहा, कुछ नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों हैं। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 80,376 रुपये, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 96,887 रुपये। ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा। पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा। तो याद रखिएगा 7.88% की वृद्धि हुई। ठीक, देखिए GSDP प्रतिशत वृद्धि दर यानी यहाँ पे GDP वृद्धि दर इसकी बात हो रही है। ठीक, तो GDP के तीन फैक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम क्या जानते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो अब हम ये इसके जो अलग अलग सेक्टर है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। देखिए, ये जो आपके 18-19 के जो आंकड़े हैं ना, ये सभी के आपके अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक, तो ये आपके हर एक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित रही, अब उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, स्थिर कीमतों के आंकड़ों को पहले याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, स्थिर भाव पर सबसे पहले नंबर पर है आपका कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपका जो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो है आपका 3.99% अनुमानित है, 3.99% अनुमानित है। अब देखिए, यदि हम देखें तो GDP के जो तीन फैक्टर है ये है आपके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जिसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक, अब ये जो कृषि क्षेत्र, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये भी और आगे डिवाइड होता है। जैसे कृषि क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कृषि क्षेत्र डिवाइड होता है फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन। ठीक, फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, उसके अलावा वन उद्योग, तो ये आगे और डिवाइड होता है। मतलब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके फसलें भी आते हैं, वन उद्योग भी आता है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। दूसरा है आपका उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र भी आगे डिवाइड होता है। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, उसके अलावा आपका ये विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसमें आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपके बहुत सारे सर्विसेज आते हैं। सर्विसेज जैसे आपका व्यापार हो गया, होटल हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, भंडारण हो गया, इसके अलावा संचार एवं प्रसारण हो गया, ये सभी के सभी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मतलब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत और भी बहुत से आपके अलग अलग और भी वो क्षेत्रों में डिवाइड है। तो देखिएगा कि ये जो कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, 3.99% यानी 3.99%। लेकिन इस कृषि क्षेत्र में आपका यदि प्रश्न पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राथमिक क्षेत्र में, किस प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही, प्रश्न को समझना। मैं कृषि क्षेत्र नहीं बोल रहा हूँ, कृषि क्षेत्र बोलिए या प्राथमिक क्षेत्र बोलिए, दोनों एक ही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही पूछा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे मैंने बताया आपको, फसलें बताया, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग बताया, तो आपका पशुपालन में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यदि प्रश्न और भी डीप में जाके पूछना हुआ तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो उसमें आएगा आपका पशुपालन। ठीक, नेक्स्ट है आपका द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो है आपका 5.36%, 5.36% स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर या द्वितीयक क्षेत्र का वृद्धि दर रहा। ठीक, देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, क्या पूछ रहा है, किस द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर, इसमें आपका स्पेशली हाईलाइट कर रहा है द्वितीयक क्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो वो है आपका स्थिर कीमतों पर है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति। ठीक,
द्वितीय क्षेत्र के विद्युत गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा। तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर रहा आपका 6.93%, 6.93%। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, किस तृतीय क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो वो है आपका संचार एवं प्रसारण। देखिए मैं यहां पे आपको सर्वाधिक के आंकड़े बता रहा हूं, न्यूनतम के आंकड़े आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब तक न्यूनतम से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, सर्वाधिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, व्यापम के पिछले साल के एग्जाम में ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर आपका पहले देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक मतलब कृषि, द्वितीयक मतलब उद्योग, तृतीयक मतलब सेवा। तो प्रचलित कीमतों पर आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर रहा आपका 8.33%, 8.33%। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्रचलित कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, किस प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो वो है आपका मत्स्य उद्योग। देखिए स्थिर कीमतों पर है आपका पशुपालन, और आपके प्रचलित कीमतों पर है आपका मत्स्य पालन या मछली उद्योग। ठीक, प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान देना, मत्स्य पालन पूछ रहा है, सॉरी आपका स्थिर कीमत पूछ रहा है कि प्रचलित कीमत पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन लेना है। स्थिर में है पशुपालन और आपका प्रचलित कीमतों पर है आपके मछली उद्योग। फिर सेकंड नंबर पर है आपका उद्योग। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए द्वितीय क्षेत्र या उद्योग में आपका वृद्धि दर रहा आपका 7.85%, 7.85%। ठीक, प्रश्न पूछा गया वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए। देखिए मैं प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक, प्रश्न बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो प्रश्न अपने आप बाद में यदि आप इन टॉपिक को पढ़े तो ये प्रश्न बाद में आपके माइंड में ऑटोमेटिक रिमाइंड होकर के, ठीक, इसलिए मैं बार बार वो प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। तो वैसे ही देखिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कीमत पर किस द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो वो है आपका निर्माण क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया द्वितीयक क्षेत्र बटा हुआ रहता है, निर्माण रहता है, विनिर्माण रहता है, विद्युत जल आपूर्ति और आपका गैस, ये डिवाइड रहता है। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर किस आपके द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही पूछा, तो वो है आपका निर्माण क्षेत्र। ठीक, तीसरे नंबर पर है सेवा क्षेत्र। तो आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो रहा आपका 11.40%, 11.40%। ठीक, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो देखिए पहला ऑप्शन यदि आपका ऑप्शन में रहा अन्य सेवाएं, अन्य सेवाओं के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक, अन्य सेवाएं रहा तो आपको अन्य सेवाएं लेना है। यदि अन्य सेवाएं ऑप्शन में नहीं है तो आपको सेम लेना है संचार एवं प्रसारण। ठीक, कृषि क्षेत्र के स्थिर कीमतों वाला प्रश्न पिछले साल के व्यापम के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाने का ट्रेड अब चालू हो चुका है, तो आपको ये सारे आंकड़े याद करने हैं। आंकड़े याद हो गए तो साइड में आप एक तो ब्रैकेट बना के उसको परसेंटेज भी लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये तो था प्रतिशत वृद्धि, अब हम देखते हैं भागीदारी। जीडीपी में आपके इस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है, यानी छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी का आकार है उस जीडीपी के आकार में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। ठीक, देखिए तो यह है आपका जीएसडीपी प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके स्थिर भाव पर। ठीक, स्थिर भाव पर देखिएगा, स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, 2.31.8.19। ठीक, 2.31.8.19 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार, जीडीपी का आकार मतलब ये समझ लीजिए जीडीपी का आकार है छत्तीसगढ़ का, ये है आपका 2.31.8.19 करोड़ रुपए। ठीक, तो अब इस 2.31.8.19 करोड़ रुपए में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, देखिए छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में आपके कृषि क्षेत्र की भागीदारी है आपका 17.21%। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, 17.21%।
छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में आपके उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में आपके उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है आपका 47.17%, यानी 47.17%। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में आपके सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, तो छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 35.63%, यानी 35.63%। प्रश्न यदि आपसे पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की भागीदारी, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही, तो आपको लगाना है 70.21%, यानी 17.21%। दूसरा प्रश्न, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस क्षेत्र की भागीदारी, समझिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही, किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही, तो देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, कृषि क्षेत्र 17, सेवा क्षेत्र 35, उद्योग क्षेत्र 47। तो प्रश्न मैंने क्या कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही, तो किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी आपकी सर्वाधिक रही। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यदि हम इसे और देखें, जैसे हमने यहां देखा कि कृषि क्षेत्र को क्लासीफाई किया, फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, ऐसे क्लासीफाई किया, ठीक। तो देखिए, तो जो कृषि क्षेत्र है यदि हम देखें तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी है आपका 17.21%, 17.21%। लेकिन इस कृषि क्षेत्र में भी सर्वाधिक भागीदारी किसकी है, ये जो कृषि क्षेत्र है इस कृषि क्षेत्र में भी सर्वाधिक भागीदारी है आपके खनन उत्खनन की। अब देखिए, ये खनन उत्खनन से एक प्रश्न और आता है आपके पीएससी का, दुनिया व्यापम का फेवरेट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या पूछता है कि खनन और उत्खनन क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक, खनन और उत्खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, खनन और उत्खनन आपके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ रहे होंगे तो उसमें टेबल बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो आपका ये जो खनन उत्खनन है इसे कृषि के साथ, इसके जो आंकड़े कृषि क्षेत्र के साथ दिए गए हैं, लेकिन ये काउंट होता है आपके उद्योग क्षेत्र में। तो कई लोग इसको द्वितीयक क्षेत्र लेके चलते हैं, कई लोग प्राथमिक क्षेत्र लेके चलते हैं। व्यापम आंसर ले चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दो बार व्यापम में पूछा जा चुका है कि खनन उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, खनन उत्खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो खनन उत्खनन आपके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए, जो आपके जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी है आपका 17.21%, यदि हम और देखें तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र में जो सर्वाधिक भागीदारी है, प्राथमिक क्षेत्र में यदि सर्वाधिक भागीदारी देखें तो क्लासीफाई करें और कृषि क्षेत्र को, तो आपके प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी है आपके खनन उत्खनन की, ठीक। ये जो आपके 17.21% है ना, तो ये 17.21% का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 11% के आसपास, 11% के आसपास का हिस्सा आपके खनन उत्खनन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। देखिए, अगर खनन उत्खनन नहीं रहा तो यहां पे दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन में मिलेगा फसलें, ठीक। अगर चार ऑप्शन दिया है और आपसे प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की, किस प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, ठीक, यहां हमने क्या पढ़ा, प्रतिशत वृद्धि, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है। ऑप्शन में खनन उत्खनन रहा तो खनन उत्खनन लगाना है, अगर खनन उत्खनन ऑप्शन में नहीं है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है फसलें, ठीक। 11% के आसपास फसलों के भी आंकड़े हैं, 11.14% के आसपास कुछ है, ठीक। पहला प्रेफरेंस खनन उत्खनन, दूसरा प्रेफरेंस देना है आपको फसलें को, ठीक। अब देखिए, उद्योग प्रश्न पूछा गया, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी में किस द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, क्या पूछ रहा है, किस द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो विनिर्माण, ठीक, विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है 47%। तो जीडीपी में कुल भागीदारी किसकी है, उद्योग क्षेत्र की है, लेकिन इस 47% का 18% हिस्सा आपके विनिर्माण का है, ठीक। तीसरा है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में जो आपकी भागीदारी है कुल जीडीपी में, सेवा क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 35.63%।
अब देखिए इस 35.63% में यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस तृतीयक क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी सर्वाधिक है, तो वो है आपके स्थावर संपदा, आवास, गृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं। काफी लंबा है, वैसे तो ये प्रश्न में आएगा नहीं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से ही आएगा, लेकिन बाई चांस आता है तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, स्थावर संपदा करके याद रखिएगा। पूरा है स्थावर संपदा, आवास, गृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक क्षेत्र, यानी इस 35% जो आपकी भागीदारी है उसमें का लगभग 9% आपका हिस्सा ये स्थावर संपदा का है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रचलित कीमत। नेक्स्ट प्रचलित कीमत, प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 311.659 करोड़ रुपए। प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के ये जो जीडीपी का आकार है ये है आपका 311.659 करोड़ रुपए। ठीक, 659 करोड़ रुपए। अब देखिए छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, कृषि क्षेत्र की भागीदारी है आपका 21.22%, 21.22%। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी के कुल जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है या द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, तो वो है आपका 41.69%, 41.69%। वैसे ही है आपका सेवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी प्रचलित कीमत पर है आपका 37.10%। ठीक, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, इन तीनों में से किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके उद्योग क्षेत्र की भागीदारी छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, लगभग 41% के आसपास। अब इंडिविजुअल प्रश्न, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न समझते चलिए। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में किस प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो किस प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, फसलों की भागीदारी है। ये जो आपका 21% है ना, 21.22% जो है, इसका लगभग 12% हिस्सा आपके फसलों से प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कीमत पर किस द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, किस द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो ये है आपके विनिर्माण। देखिए द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, 41.69%। इस 41% का लगभग 14% हिस्सा आपके विनिर्माण से प्राप्त होता है। तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कीमतों पर किस तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है पूछा जाए, तो उसमें लगाना है आपको स्थावर संपदा, आवास, गृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवा। लगभग ये जो आपका 37% है, तो 37% में से 10% का जो हिस्सा है वो आपका स्थावर संपदा रखता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। मैंने देखा है कई लोग का कमेंट आता है कि ये जो मैं बार बार जो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, तो उनको उनका ये कहना है कि ये ज़बरदस्ती का टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब वीडियो ज़बरदस्ती का लंबा बनता है। तो देखिए मेरा तो पहली बात पढ़ाने का मेरा यही तरीका है, चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चीज़ों को बार बार पढ़ने का भी आदत हो। आपको यदि लगता है, हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, सबके IQ लेवल एक जैसे नहीं रहते। मैं अपने पढ़ाने का तरीका तो चेंज नहीं कर सकता, मेरा काम है आपको आंकड़े देना। चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रश्न जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन चीज़ों को आप सुन के रखिए, माइंड में सेट कीजिए कि हाँ ऐसा प्रश्न आता है द्वितीयक क्षेत्र की, किस द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, किस तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है। केवल कई लोगों को मैंने देखा है कि केवल प्रश्न आधा अधूरा पढ़ के ही ऑप्शन टिक लगा देते हैं, तो वैसा गलती ना हो करके चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ। वीडियो लंबा बनता है, बनने दीजिए, ठीक, काफ़ी समय है, अभी एग्जाम को काफ़ी समय है, आराम से पढ़िए। जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको एक जगह नोट डाउन करके लिखना चाहते हो लिख करके रख लीजिए। प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है ना, ये कृषि क्षेत्र से पूछा जाता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से तो बहुत कम आता है।
ठीक, किस प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, किस द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो ये प्रश्नों को बार बार रिपीट करने का कारण ये है कि सुन के ही आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।